अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है। देखिए जी, तैयारी हो रही है अहमदाबाद जाने की, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इन दोनों कपड़ों में से मैं कौन सा पहनूँ। वैसे वो तो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, ये वाला। तो अभी ये अफ़गानी वाला है, ये है ऊपर अबाई के ऊपर पहनने के लिए। सो ये भी मेरे साथ अभी बहुत अच्छा लग रहा था। बाहर देखें कितने मज़े का मौसम हो रहा है, थोड़ी थोड़ी धूप लगी हुई है। ये मेरी बिल्ली ने कल मेरे जो पौधा है वो तोड़ दिया। और देखिए मैंने कितना प्यारा ये पहना हुआ है फ्रॉक, और ये अफगानी फ्रॉक है। और मैंने थोड़ा सा आज मेकअप भी उसी तरह किया, वो काजल वगैरह जो है वो लगा के, काजल तो नहीं लगाया लेकिन यहाँ नीचे नीचे लगाया है। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। अभी मैं आपको दोबारा बताती हूँ। देखें कितना प्यारा ये लग रहा है, इसके यहाँ सारा एम्ब्रॉयडर्ड हुआ हुआ है, जैसे खुला हुआ है, और नीचे मैंने अबाया पहना हुआ है। सो आई जस्ट मेड दिस लुक इस तरह और ऐसे। बस जी, फिर देखें हम लोग निकल गए थे 7 बजे, और अहमदाबाद हम लोग पहुँचे थे तकरीबन 10:30 बजे। यहाँ पर फिर हम लोग ले रहे हैं फ्रूट्स घर के लिए। तो हमने कहा केक शेक तो नहीं लेकर आए, बहुत लेट हो गए थे, तो चलें अब फ्रूट्स ही ले लेते हैं सबके लिए। फिर देखें फिर हम लोग घर गए। घर जाते जाते ये है कि मैंने अपनी मेडिसिंस ली जो मैं भूल चुकी थी घर में, और फिर तंदूर से रोटियां हमने ली थी, ये कबाब ले रहे हैं, और ये गिफ्ट्स हैं जो मैं मेरे भतीजे के लिए लेके जा रही हूँ। यहाँ से हम रोटियां ले रहे थे। और देखे जी, अब हम अपनी गली में पहुँच चुके हैं। मुझे ये गली इतनी अच्छी लगती है, मैं जब भी इधर आती हूँ ना, जाते वक्त आते हुए। देखिए फिर अब 10:30 बजे हम पहुँचे। फिर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ठंड मुझे लग रही थी, हालांकि वो जो था ना मैंने जो पहना हुआ था कोट सा, वो भी ये वाला, तो ये भी बहुत ज़्यादा गर्म था, लेकिन स्टिल मैं बाहर ना कांप रही थी। खैर अंदर आके हीटर शीटर फिर लगाया, खाना मामा ने बनाया हुआ था, काबली पुलाव, सालन था, और ये मुर्गी का सालन था, साथ में कबाब भी ले लिए थे, और ये कबाब भी बहुत ज़बरदस्त थे। तो अहमदाबाद में तो यही मज़े हैं कि आपको कबाब हर जगह से बहुत अच्छे मिलते हैं। खाना खा के फिर उसके बाद बहुत थक गए थे हम लोग, सो गए। सुबह सवेरे का टाइम है जी, और मुझे नाश्ता बना के दिया गया है, मैं खा रही हूँ। तो मेरी चाय में चीनी कम हो गई, तो देखिए मैं चीनी डाल रही हूँ। बस जी, नान था, अंडा था और चाय थी, दैट्स इट। तो आज था अकीका था मेरे भतीजे का। सो आज बकरे आने थे, गोश्त जो है वो बांटा जाना था, तो ये सब आज का प्रोग्राम था। खैर लोगों को नहीं बुलाया हुआ था क्योंकि हमारे किसी अजीज़ की फौतगी हो गई थी, तो उस वजह से मुनासिब नहीं लगा मेरे बड़ों को कि वो रखें, पूरी गेट टुगेदर रखें। उसके बाद देखें जी, ये मेहमान आई हुई थी हमारी, मैंने उनके लिए ये काटे, फ्रूट्स काटे, मैं ले गई फिर धूप में बैठ के, हमने मालते वालते सारे जो फ्रूट्स हैं वो खाए। ज़्यादा ना थोड़ा सा बाबा आपने कसम ले बाबे ने तो ये
ले लो। फिर जी देखे मुझे लग गई भूख और मैंने गरम की कलेजी। कलेजी मामा ने बनाई हुई थी, इतनी ज़बरदस्त थी ना। मैंने अपनी मामा के हाथ के अलावा कभी भी किसी की जो है कलेजी नहीं खाई, लेकिन ये जो मेरी सास ने कलेजी बनाई हुई थी ये बहुत ज़बरदस्त थी। मुझे ऐसा लगा था मामा ने ही बनाई हुई है। एनीवेज तो फिर देखे ये था, कल वाले चावल थे वही सालन था, साथ कलेजी थी, तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था खाना। मैंने तो पेट भर के कलेजी खाई क्योंकि बहुत इतनी अच्छी बनी हुई थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा, उसके बाद हम लोग मिलने चले गए अपने भतीजे से, क्योंकि रात को हम लोग काफ़ी लेट आए थे तो मुनासिब नहीं था कि हम उससे मिलने जाएं। तो ये है कि फिर हम लोग सुबह जो है उसके लिए जो चीज़ें लाए हुए थे वो भी उसे दी और इसको मिलने गए। तो माशाल्लाह ही सो क्यूट। एनीवेज पे देखिए शाम चाय में चीनी डाली हमारे लिए चाय बनाई और मैं सो गई थी। खैर तो मामा ने भेजी सर में उठी तो मामा ने कहा चाय पीते हैं, चाय में चीनी नहीं डाली, निकलते हैं कुछ शॉपिंग के लिए। ईद की शॉपिंग करनी थी तो ईद की भी और दूसरी बात कुछ और चीज़ें भी लेनी थी। सो हमने कहा चले ठीक है। फिर शाम हो गई, 7 बज रहे थे तो देखे एकदम से हम लोग पहुँच गए शकला का बूम बूम करके खाड़ी पे। खाड़ी है ये पता नहीं, फिर हमने ये सफ़ायर था। फिर हम लोग गए इस शॉप पे जुनेद जमशेद, जहाँ पर हमें कुछ कुछ भी नहीं मिला कुछ कारी का नहीं मिला। फिर आगे गए हम लोग खाड़ी पे, वहाँ पर चले सेल लगी हुई थी तो मैंने कहा चले विंटर कलेक्शन से मैं कुछ ले लूँ, तो मैंने अपने लिए खाड़ी से लिए कुछ कपड़े। देखें अभी ये नहीं है, 3 सेल्स है और सब चलते हैं। फिर मेरी मामा ने कोई कपड़े नहीं लिए हुए थे तो उन्होंने कहा मुझे केसरिया से ही मिलते हैं कपड़े, क्योंकि उनके पास कपड़े ज़्यादा होते हैं, कपड़े मतलब वो जो मीटर शीटर जो भी है। तो हम फिर उधर गए, वहाँ पर भी उनको कुछ समझ नहीं आया। फिर हम बनाजा सतरंगी चले गए, वहाँ से मैंने अपने हस्बैंड के लिए बस शॉपिंग की। फिर घर आ गए तो देखे ये वाले मैंने प्रिंट्स लिए, एक जो है समर है, बाकी ये जो 3 है ये है कि मैं इसको बना के या फिर अभी रख दूँगी, फिर अगली जब सर्दियाँ आएंगी तो उसमें मैं ये बनाऊँगी। तो ये देखें ये प्रिंट इतने ज़बरदस्त था ना, ये ब्लैक और ये वाला पिंक वाला, तो सारे प्रिंट बहुत ज़बरदस्त थे। फिर मैंने दोबारा खोल खोल के देखे तो हाँ घर आके तो वाकई बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर ये मैंने एक छोटा बैग लिया अपने लिए, मैंने कहा चलो स्कूल जाती होती हूँ तो मेकअप शेकअप की कुछ चीज़ें आ जाएंगी, बुक्स शुक्स आ जाएंगी, सो यही ठीक है। बस फिर हमने खाना खाया, ये बिरयानी हमने रास्ते से ही ले ली थी। फिर उसके बाद होती है हमारी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हमारी 11 बजे होती है। 11 बजे देखा कि बाहर बकरे भी आए हुए हैं, फिर किसी को इतना नहीं बुलाया, सिर्फ मेरे जो हस्बैंड है उनके चाचू की जो फैमिली है सिर्फ उन्होंने आना था। बस मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, फिर साथ में चाय के साथ मैंने चावल गर्म कर दिए थे। तो ये था मेरा नाश्ता संडे का, ये संडे का दिन है ठीक है, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। गलम तो आदमी खफा।
देखें जी मैंने ख़त्म कर दिया है अपना नाश्ता और सामने देखे सब बैठे हुए हैं माशाल्लाह पे ये दुआ हो रही है। अब बस दुआ कर रहे हैं अब हम लोग। तो ये इसको ज़बह कर दिया है, एक पर ये पहला ज़बह किया, फिर दूसरा, फिर उसके बाद मैं तैयार हो गई जी जाने के लिए क्योंकि हमने निकलना भी था हैदराबाद के लिए। मौसम कुछ हैदराबाद का जो है वो धूप वाला नहीं था, बस सर्दी हो गई थी तो बारिश भी शुरू होने वाली थी। हमने कहा चले शाम से पहले हम लोग निकल जाते हैं। निकले तो हम लोग खैर 6 बजे हैं, फिर भी तैयारी हम सुबह से कर रहे थे लेकिन निकले हम 6 बजे हैं। मामा ने बनाया हुआ था कोरमा गोश्त का, बहुत ज़बरदस्त, वो मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी। अभी घर पहुँचे, खाना